CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है दसवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो। पेश है दसवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का सातवां पाठ, कलाम हैदरी, सफा नंबर 53, तारुफे अफसाना निगार, कलाम हैदरी। पैदाइश 1930, इंतकाल 1994। मोहम्मद कलामुल हक हैदरी उनका पूरा नाम था। कलाम हैदरी की हैसियत से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश मुंगेर बिहार में हुई। इब्तिदाई तालीम एटा उत्तर प्रदेश में हासिल की। रीन कॉलेज कलकत्ता से आई कॉम का इम्तिहान पास किया। रांची कॉलेज रांची से बीए और पटना यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू की डिग्रियां हासिल कीं। पूर्णिया डिग्री कॉलेज में मुलाजमत की। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के जनरल सेक्रेटरी और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के सरगर्म रुकन रहे। कलाम हैदरी ने हफ्तावार मोर्चा और माहनामा आहंग शहर गया से शाय किया और उनकी इदारत भी की। कलाम हैदरी की कहानियों का पहला मजमुआ बेनाम गलियां के उनवान से सन 1955 में शाय हुआ। उनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम सफ़र, अलिफ लाम मीम और गोल्डन जुबली हैं। बर्मिला उनके अदबी तफसिरों का मजमुआ है। अदब और तसव्वुफ़ और तफहीमात उनकी इल्मी किताबें हैं। सफ़ा नंबर 54, अफसाना सखी, अफसाना निगार, कलाम हैदरी। आइए अब सुनते हैं अफसाना निगार कलाम हैदरी का अफसाना सखी। मैं जकरिया स्ट्रीट के एक गंदे और छोटे से होटल में बैठा हूं। सामने सियाह रंग के टेबल पर छोटी सी चाय की प्याली रखी है जिसमें तल्ख किस्म की चाय पर बालाई पड़ी हुई है। मेरे टेबल के सामने एक लंबा सा टेबल है जिस पर कई दूसरे लोग बैठे हैं। उनमें से एक शख्स को मैं पहचानता हूं, वो जो शतरंजी डिजाइन की लुंगी पहने हुए है और जिसकी गंजी बजाय बटन के फीते से बंद होने वाली है। मैं उसे सिर्फ इस वजह से पहचानता हूं कि वो मुझसे महीने में एक बार मनी ऑर्डर लिखवाता है, कभी 50, कभी 40 और कभी 100 भी। ये कहां रहता है मैं नहीं जानता, ये क्या करता है ये भी मैं नहीं जानता, ये मनी ऑर्डर कहां भिजवाता है सिर्फ ये मैं जानता हूं। बीबी सकीना मार्फत शराफत हुसैन, बीड़ी दुकान पुरानिया। मैंने अब चाय की प्याली अपने होठों से लगा ली है और पालाई होठों से उलझ रही है। मैंने फूंक मारकर बालाई को कुछ हटा दिया है और तब पहले घूंट के साथ एक मीठी तल्ख धार हलक से पेट में उतरती हुई महसूस कर रहा हूं। मैंने प्याली वापस तश्तरी में रख दी है। बीबी सकीना के बारे में मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये उस शतरंजी डिजाइन की लुंगी वाली की बीवी है और ये भी जानता हूं कि उसका नाम मौला है और मनी ऑर्डर लिखवाते वक्त अपना नाम मौला बख्श लिखवाता है। पहले पहल जब मैंने उससे मनी ऑर्डर फॉर्म पर लिखने के लिए उसका पता पूछा तो उसने अपना नाम मौला बख्श बताया और कहा, मारफती आप अपना ही लिख दीजिए। चुनांचे मेरी मार्फत रुपया भेजने वाले के पते से भी मुझे नावाकिफी रहना पड़ा। मैंने चाय की प्याली दोबारा उठा ली है और बालाई को
गौर से देख रहा हूं, जो चाहे पीने में हारिज होगी। मैं एक लंबा घूंट लेता हूं और बालाई थोड़ी सी चाय समेत मेरे मुंह में चली जाती है और मैं मुंह चलाने लगता हूं। बीबी सकीना का शौहर पस्त कद का गठा हुआ स्याही माइल आदमी है, जिसके कान की लौ थोड़ी सी कटी हुई है और गालों की दोनों जानिब की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं। चेहरा बड़ा और मेहनती आदमी का सा मालूम होता है, सीना चकला और गर्दन भरी भरी, मगर औसत दर्जे की लंबी है। आंखों में चमक है, मगर जैसे वो धुंधलाहटों में हो। दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली का नाखून नुकीला और लंबा है। सफा नंबर 55। मैंने प्याली फिर हाथ में ले ली है और होटल में आने वाले दो अफराद को देखने लगा हूं, जो दरवाजे के पास ही रुक गए हैं और होटल का जायजा ले रहे हैं। एक के सर पर दिल्ली वालों जैसी टोपी है, जो बेमेल है, और दूसरा नंगे सर है और बाल उलझे उलझे हैं, और दोनों फिर अंदर आ जाते हैं। मैंने चाय का तीसरा और आखिरी घूंट लेकर प्याली तश्तरी पर रख दी है और उसे मेज के एक तरफ खिसका दिया है। होटल का रेडियो चीख चीख कर फिल्मी गाने सुना रहा है। अचानक वो जोर से खड़खड़ाता है और होटल का नौजवान मालिक, जो थोड़ी हाथों पर रखे किसी उर्दू अखबार को जाने कब से पढ़ रहा था, चौंक कर रेडियो का बटन घुमाने लगता है। मैं उन दोनों को देख रहा हूं जो अभी अभी इस होटल में दाखिल होकर बैठे हैं। दिल्ली वालों की टोपी पहने हुए शख्स ने अपने साथी से कुछ मशवरे करने के बाद दो शीरमाल और दो सीख कबाब का ऑर्डर दे दिया है। होटल का लड़का उस बड़े से ताखनुमा सुराख के पास खड़ा हुआ है, जहां से होटल के बावर्ची खाने का मंजर दिखाई देता है, और मौला बख्श एक करवट बैठे बैठे दूसरा पहलू बदल कर बैठ जाता है और बाहर से नजरें हटाकर वो मेरी जानिब देखने लगता है, जैसे उसे मेरे देर तक बैठे रहने पर ताज्जुब हो रहा हो। मैं उसकी टटोलती निगाहों से बचकर पहलू बदलता हूं। अब मेरे इंतजार का पैमाना लबरेज हो रहा है। जिस अखबार के एडिटर ने मुझसे यहां मुलाकात करने का वादा किया था, उसके आने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है, और साथ ही साथ उम्मीद की जिस किरण के सहारे मैंने 3 रुपए 14.5 आने में पिछले 4 दिन गुजारे थे, वो किरण इस होटल में जैसे गुम हो गई। अब तक वो एडिटर नहीं आया जिसने मुझे तर्जुमे का काम देने का वादा किया था, और मैंने सोचा था कि काम ठीक होते ही कुछ एडवांस मांगूंगा, जिससे जकरिया स्ट्रीट के ऐसे होटलों में कम से कम चंद दिन खप सकूं। दिल्ली वालों की टोपी पहने हुए शख्स के आगे एक शीरमाल रखी हुई है। ऊपर का सुर्खी माइल हिस्सा बेहद इश्तहा अंगेज है और कबाब से उठता हुआ हल्का हल्का धुआं मैं आसानी से देख सकता हूं। वो एडिटर अभी तक नहीं आया है और मैं सोच रहा हूं कि मौला बख्श की बीवी सकीना कैसी होगी, उसके कोई बच्चा है कि नहीं। और इस वक्त मुझे अचानक लगा कि मैं मौला बख्श से मुखातिब होकर पूछूं कि उसके कोई बच्चा है या नहीं। मैंने इस सवाल को मोहमिल और बेमौका ख्याल करते हुए अपने जहन से निकाल दिया है। सफा नंबर 56। अब वो दिल्ली वालों की टोपी पहने शख्स और उसका साथी आधी से जायद शीरमाल खा चुके हैं और सीख कबाब से उठते हुए धुएं को अब मैं नहीं देख सकता। शायद अब धुआं उठ भी नहीं रहा है। वो एडिटर
अब नहीं आएगा। मैंने 4 दिन यूं ही बेकार गंवा दिए, वरना इन 4 दिनों में दौड़ धूप की जा सकती थी, कोई ट्यूशन ही तलाश की जा सकती थी। मगर 4 रोज तक इस इत्मीनान से बैठे रहने के बाद अभी अचानक इस मुतवक्को काम से मायूसी पर अब आगे चलने की जैसे सलाहियत ही ना रही हो। सकीना की उम्र 20 साल से ज्यादा ना होगी और बच्चा भी कोई ना होगा। ये शराफत हुसैन कौन होगा? और तब मैं सोचता हूं कि यह शराफत हुसैन मौला बख्श का रिश्तेदार होगा या फिर दोस्त हो सकता है। और सकीना, अब ये क्या तुक है कि एडिटर वादे के खिलाफ अब तक नहीं आया है और मुझे सकीना की उम्र की पड़ी है। शराफत हुसैन और सकीना की रिश्तेदारी की नौयत की फिक्र है। मौला बख्श और शराफत हुसैन के ताल्लुकात से भला मुझे क्या ताल्लुक है? अब वो दोनों शीरमाल के बाद चाय भी पी चुके हैं और काउंटर पर होटल का नौजवान मालिक उनसे पैसे ले रहा है। अब 3 बज रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक इंतजार के बाद मैं निढाल सा हो रहा हूं। ये मौला बख्श हर माह की 13 तारीख को मनी ऑर्डर जरूर लिखवाता है, 1-2 रोज आगे या पीछे, मगर पूरी पाबंदी से लिखवाता है। और मैं सोच रहा हूं सकीना जरूर खूबसूरत होगी, और ये जो मौला बख्श की आंखों में चमक है वो उसी जवान मोहब्बत की चमक है, और जो ये चमक किसी कदर धुंधलाहटों में है वो फिराके यार है। 3.14 रुपये आने के तकरीबन जुदा हो जाने के बाद एडिटर नहीं आया तो अब क्या होगा? मैं सोच रहा हूं ये जो जेब में अब फकत 6.5 आने हैं, इसमें से 6 पैसे यानी 1.5 आने भी जुदा होने वाले हैं। मैं उस प्याली को देख रहा हूं जिसे मैं कप का खाली कर चुका हूं, मगर होटल के नौकर ने उसे टेबल से अभी उठाया नहीं है। यही वो प्याली है जो मुझे मजीद 1.5 आने से महरूम कर देगी और मेरी जेब में 5 आने रह जाएंगे। और कलकत्ता शहर और ये जकरिया स्ट्रीट और ये दिलकश होटल, दिल से मानता होगा मौला बख्श सकीना को, जब ही तो। और अब मौला बख्श अपनी जगह से उठ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, और अब वो मेरे करीब आ गया है और कह रहा है, हम कल आएंगे जी, आप रहेंगे ना? मैं उसे इस बाबत में जवाब देता हूं और सोचता हूं कि ये कल मनी ऑर्डर लिखाएगा और कल सुबह तक मेरी जेब में 5 आने रह जाएंगे या सफा नंबर 57। मैं इस वक्त अपनी कोठरी की एक चौकी पर पड़ा हूं। मेरे सिरहाने 2 आने पैसे तकिए से दबे पड़े हैं और मैं रात देर तक जागने से गिरानी महसूस कर रहा हूं। उस कैलेंडर की जानिब देख रहा हूं जो हवा से फड़फड़ा रहा है, जिसमें एक अमरीकन औरत जहाज की सीढ़ी पकड़े बड़े ही कातिलाना अंदाज में खड़ी है। अमरीकन कैलेंडर। मैं मुंह हाथ धो चुका हूं, भूख भी लग रही है। बड़ी एहतियात से मैं तकिया हटाता हूं और 2 आने उठाकर जेब में रख लेता हूं। मैं सोच रहा हूं ट्यूशन की तलाश में निकलना बेहतर होगा, कुछ सहारा हो जाएगा, फिर इत्मीनान से नौकरी तलाश करूंगा। और तब सोचता हूं कि अंग्रेजी की जो डिक्शनरी पड़ी है उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल किए जा सकते हैं। इस ख्याल से तकवियत महसूस करता हूं और मेरे सामने हुसैन, बीड़ी दुकान, पुरनिया, मौला बख्श, 60 रुपए।
अब मैं मनी ऑर्डर लिख चुका हूं और मौला बख्श के साथ ही कोठरी में ताला बंद करके सड़क पर आ गया हूं, और मौला बख्श मुझसे कह रहा है कि उसे आज मालिक ने जल्दी ही बुलाया है, इसलिए वो आज मनी ऑर्डर नहीं भेज सकेगा। और मैं कुछ सोचकर उससे कह रहा हूं कि मुझे फुर्सत है, वो कहे तो मैं मनी ऑर्डर भेज दूं। आप वो हिचकिचाता है, मगर मैं उसे हिम्मत दिलाता हूं कि आखिर वो भी तो आदमी है, एक काम ही उसका कर दूंगा तो क्या छोटा हो जाऊंगा। मौला बख्श जा चुका है और मेरी जेब में 60 रुपए हैं और मनी ऑर्डर फॉर्म है, और मैं ट्यूशन की तलाश में जा रहा हूं। अभी शाम हो गई है और मैं दिलकुशा होटल में नहीं हूं। मैं पार्क सर्कस में एक औसत दर्जे के होटल में बैठा हूं। मेरी मेज पर अभी अभी बैरे ने एक शीरमाल, ओरमा और सीख कबाब लाकर रखा है, और मैं बगौर उस शीरमाल को देख रहा हूं जो बहुत मुलायम, बेहद लजीज और खूबसूरत नजर आ रही है। मेरे जहन में उस एडिटर का ख्याल नहीं है जिसने मुझे तर्जुमे का काम देने का वादा किया था, और 11 बजे से 3 बजे तक उसका इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया, और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा 7 बजे हैं। इस होटल में रौनक बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूं कि इस होटल तक मेरे कदम आए कैसे, कोई ट्यूशन नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, और दफ़तन मुझे सकीना का ख्याल आता है जिसके पास उसी पाबंदी से मनी ऑर्डर भेजा गया है, मगर जो उसको नहीं मिलेगा। 60 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं और मनी ऑर्डर फॉर्म मैंने क्राउन सिनेमा के सामने पड़े हुए पैक के गमले में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया है। सफा नंबर 58। मैं शीरमाल खाने लगा और मुझे ख्याल आया है अगर मैं मौला बख्श से 20-25 रुपए मांग लेता तो शायद वो दे देता, मगर मौला बख्श के सामने दस्ते सवाल बढ़ाने के ख्याल से मुझे बड़ी जिल्लत महसूस हो रही है। ये कबाब कितना खुश जायका है, और प्याज के इन तराशों के साथ तो इसका लुत्फ ही निराला है। मैं डलहौजी स्क्वायर के एक ऑफिस से नीचे उतर रहा हूं। 5वीं मंजिल से उतरते उतरते पांव दुखने लगे हैं, और ऐसी कितनी ही बिल्डिंगों से ना मुराद लौटते लौटते अब मुझे ऐसा लगता है जैसे नौकरी नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ट्राम की घंटियां बज रही हैं। मैं फुटपाथ पर खड़ा अपनी थकन को दूर कर रहा हूं। मेरी जेब में 22 रुपए कुछ आने हैं, और सकीना को मनी ऑर्डर भी अभी तक नहीं मिला है। 22 रुपए कितनी बड़ी ताकत का मजहर है। मैं सोचता हूं अभी कुछ रोज और भी चक्कर काट सकता हूं। 22 रुपए अब भी मेरे पास हैं। अब मैं चलने लगा हूं, और मैंने रुख को लोटोला की तरफ कर दिया है। चलते चलते इस बिल्डिंग तक आ गया हूं जो जापानी बमबारी की जद में आई थी। मैं वहां पर आ गया हूं जहां उर्दू रिसालों की दुकान है, और मैं उससे आगे बढ़ गया हूं। सकीना का ख्याल मुझे उस कोठी का ख्याल दिलाता है जो थिएटर रोड पर है, और जहां मुझे ट्यूशन के लिए आज शाम को बुलाया गया है। क्या पता आज ट्यूशन मिल ही जाए। ये नाखुदा मस्जिद है। वही जकरिया स्ट्रीट के दरवाजे के बाहर एक लाश स्ट्रेचर पर पड़ी हुई है, और एक नौजवान आवाज लगा रहा है, अरे भाइयों सुनो, एक गरीब मर गया है,
कफन दफन के लिए पैसे देकर सवाब हासिल कीजिए। साहिबो, अरे साहिबो सुनो, एक गरीब मर गया है, कफन दफन के लिए पैसे देकर सवाब हासिल करते जाओ। मैं करीब जाता हूं, फीते से बंद होने वाली कंजी एक कान कटी हुई लौ। मौला बख्श, मैं हल्के से उसका नाम लेता हूं। सकीना के पास मनी ऑर्डर पहुंचने से पहले यह खुदा के यहां पहुंच गया। मैं उस आवाज लगाने वाले नौजवान से पूछता हूं, अब भैया सुनो, ये कैसे मरा? अरे भाई साहब, ट्रक से कुचलकर, और कैसे? नीचे के धड़ से उसने चादर हटाकर दिखाया तो मुझे चक्कर आने लगा है। ये ना खुदा मस्जिद है, मौला बख्श है, जिसके कफन दफन के लिए एक आने दो आने राहगीर चादर पर फेंकते जा रहे हैं। मेरा हाथ जेब में जाता है, 22 रुपए कुछ आने उस चादर पर फेंक कर मैं जल्दी जल्दी वहां से जाने लगता हूं। वो नौजवान मुझे गौर से देखता है। मैं मुड़कर देखता हूं, वो नौजवान मुझे अब भी गौर से देख रहा है। कलाम हैदरी। सफा नंबर 59। मश्क। सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1। अफसाना निगार होटल में किसका मुंतजिर था और क्यों? सवाल नंबर 2। इस कहानी में जिंदगी की कौन सी सच्चाई बयान की गई है? सवाल नंबर 3। मौला बख्श के किरदार पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 4। इस कहानी का उन्वान सखी क्यों रखा गया है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग 2 का 7वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 8 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।